साधो ऐसा ही गुरु ऐसा ही गुरु। नमस्कार, आज हम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपको अभ्यास के विषय में बताएंगे, संगीत साधना। पिछले एपिसोड में हमने संगीत साधना के विषय में कुछ चर्चाएं की थी। आज उसका दूसरा अध्याय है कि संगीत साधना एक विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। संगीत साधना के अंतर्गत सबसे पहले ये जानें कि संगीत क्या है, संगीत का अर्थ क्या है, डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक। संगीत का अर्थ अगर जानने से हमारे मन में संगीत हम क्यों करें, बहुत सारे प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए संगीत का अर्थ क्या है। गुरु से प्राप्त हुई चीज को, अपने गुरु से प्राप्त हुई चीज या विद्या को बार बार दोहराने से, उसको बार बार मनन करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे रियाज कहते हैं। क्योंकि रियाज और मनन चिंतन बार बार ना करने से वो विद्या को भूलने की संभावना बराबर बनी रहती है। लेकिन अगर हम बार बार चिंतन मनन करेंगे तो उसी को हम दूसरे रूप में रियाज के नाम से जानते हैं। संगीत एक ऐसी विद्या है, कोई एक दो दिन या एक दो घंटे की चीज नहीं है। बहुत करने पर अगर थोड़ा भी प्राप्त हो जाए तो अपना भाग समझना चाहिए। तो संगीत जो है, पहला प्रश्न है कि संगीत क्यों सीखें। नंबर दो, दूसरा है कि संगीत कैसे करें, अभ्यास कैसे करें। संगीत अभ्यास कैसे करें, संगीत क्यों सीखें, संगीत कैसे करें और संगीत कितना करें, कब करें, कैसे करें, कितना करें, किस गुरु के निर्देशन में करें। तो इसके उत्तर में मैं बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम संगीत क्यों करें। इसका विशेषण है कि जब कोई विद्यार्थी संगीत सीखने आता है या संगीत सीखने अपने गुरु उस्ताद के पास जाता है तो उसके मन में कुछ श्रद्धा भाव संगीत के लिए, अपने गुरु के लिए होगा, तभी तो हो जाता है। संगीत मोक्ष प्राप्ति का साधन है। आदि काल में ऋषियों महर्षियों ने इसका अध्ययन, इसका प्रयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए किया है। आज वो धन प्राप्ति का साधन भी है। तो संगीत एक आत्मा की पुकार है। तो जो आत्मा की पुकार आपको कहा तो आप संगीत सीखने के लिए गुरु उस्ताद के पास गए। जाने के बाद एक सवाल उठता है कि कैसे करें, संगीत कैसे करें या कितना रियाज करें। इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि वैसे प्रातः काल संगीत साधना सबसे आवश्यक है, परम आवश्यक है। प्रातः काल क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब रात में आप सोते हैं तो पूरी रात यानी 4 से 6 घंटे आपकी जो वोकल कार्ड्स हैं वो शिथिल अवस्था में होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, मुलायम होती हैं। तो जो हम मॉर्निंग में सुबह में स्वर साधना करते हैं तो जहां हम स्वर चाहते हैं वहां वो ऑटोमेटिक लग जाती है, खड़खड़ाहट या कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। वैसे संगीत साधना तो सुबह के समय ही करना चाहिए, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि हम दोपहर में या शाम या रात में नहीं कर सकते। ये आप पर डिपेंड है कि मॉर्निंग इज अ बेटर टाइम, लेकिन किसी भी समय कर सकते हैं। तो संगीत साधना के मॉर्निंग कैसे करते हैं और स्वर का अभ्यास कैसे पहले करते हैं, पहले मंत्र सप्तक के लिए आपका स्वर कितना कामयाब है ये हम आपसे बात करेंगे। चलिए पहले हम नीचे के स्वरों पे आएंगे, सा नी सा। देखिए ये स्वर साधना का प्रथम रूप है जिसे हम षड्ष साधना भी कहते हैं। तो ये मंत्र सप्त के स्वरों में धीरे धीरे नीचे उतरेगा, सा
अभ्यास नहीं है तो आप तब तक के लिए गंधार से फिर सा पर लौट जाएं। कैसे देखें? इसका अभ्यास प्रातः काल कम से कम 15 से 20 मिनट करें। खुल जाने के बाद अलंकार नंबर 1 देखें, इस प्रकार है। अलंकार के स्वरों को हर एक स्वर को दो दो बार, जैसे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे मा मा एक ही स्वर को दो दो बार मैंने बजाया। अलंकार नंबर 3 यानी 3 पीसेस का देखिए, सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धानी धानी सा पा मा गा मा गा।
देखा आज अलंकार के साधना के अंतर्गत आपने देखा कि अलंकार कब करें, कितना करें और किस इसका क्या समय निश्चित है। तो आज आपको मैंने सरल साधना बताया जो कि मंदिर में उतरेंगे और जहां तक स्वर जाए उसके ऊपर आप आएंगे, फिर सा लेंगे। जब 15 मिनट तक ये साधना करने के बाद आपकी आवाज़ खुल जाए, गला खुल जाए, तब हम अलंकार नंबर एक लेंगे जो आपको बताया मैंने, कम से कम 5 times। सारे गामा पदा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, इसको 5 बार अगर हो जाए फिर सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा 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 नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, 5 times। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा नी दा नी दा पा मा पा मा गा रे सा, ये 5 times। अभी आप 3 अलंकार और स्वर साधना का अभ्यास करें और अगले एपिसोड में इसको आकार में कैसे कहेंगे, इसके आगे का अलंकार कैसे बनेगा या कैसे बढ़त होगी, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए नमस्कार।